रूही का घर में किया गया है स्वागत और परिवार की खुशियां फिर पटरी पर लौट आई हैं। लेकिन ये क्या, घर आते ही रूही ने सबको अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह तेज म्यूजिक के साथ शुरू कर दिया है एक्सरसाइज। रमन और इशिता की मुश्किल ये है कि वो रूही को कैसे रोके, पर इशिता ने मामले को संभाल लिया है और रूही के साथ खुद भी शामिल हो गई है एक्सरसाइज करने। वैसे घर वालों का ये अंदाज रूही को कुछ अटपटा सा लग रहा है, पर वो अपनी एक्सरसाइज में व्यस्त है। फिर क्या था, एक एक करके सारे घर वाले रूही के साथ कदम ताल करने में लग गए। आखिर रूही का दिल जो जीतना है। सबसे ज्यादा परवाह है मेरी जान का टूटा, दिल का टूटा रूही, वो वापस आई है। अब अगर सिचुएशन खराब होती है और रमन अपना टेंपर लूज कर देता तो उसको तो संभालना मुश्किल हो जाता, और अगर वो म्यूजिक बंद करवा देता तो रूही को संभालना मुश्किल हो जाता। इतनी मुश्किलों से तो वो घर आई है और फिर हमें जज ने ये कहा है कि इसका दिल जीतना है, तो उसके लिए तो मतलब ये कि जरा इस वक्त मैंने थोड़ा सा होशियारी से काम लिया और सिचुएशन संभाल लिया। वैसे घर वाले जो कर रहे हैं वो योगा तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि 21 जून को विश्व योगा दिवस को मनाने से पहले सीरियल में वार्म अप किया जा रहा है। फिलहाल बारिश के मौसम में सीरियल के सेट पर कलाकार भी बारिश के मजे ले रहे थे। और ऐसे मौके पर रमन भल्ला यानी करण पटेल की पत्नी अंकिता भार्गव भी उनसे मिलने पहुंचे। मैं बॉम्बे में रहते रहते कि बारिश का क्या हाल है, सो स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग एंड आई लव मॉनसून, तो आज संडे था, आज मेरे पास ड्राइवर नहीं था, तो आई वाज मोर देन हैप्पी कि घर से यहाँ तक मैं खुद ड्राइव करके आई, बिकॉज़ आई लव ड्राइविंग इन द रेन, सो इट्स अ हैप्पी थिंग, इट्स अ हैप्पी डे। उम्मीद है कि सीरियल ये है मोहब्बतें में रमन निशिता रूही को मनाने का ये मौका हाथ से कतई जाने नहीं देंगे। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।